Howdy physics lovers, आज करेंगे question number 5.15. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively, kept on a smooth horizontal surface, are tied to the ends of the light string. तो हमने करना क्या है? सबसे पहले दो bodies consider करनी है. एक है body A और दूसरी है body B. This is body A and this is body B. जो body A है, उसका mass है 10 kilogram. Okay? Body A का mass है 10 kilogram. और बॉडी बी का मास है 20 किलोग्राम. अब क्या किया कि इन दोनों बॉडीज को हमने एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट किया. सो विद द हेल्प ऑफ द लाइट स्ट्रिंग वी हैव कनेक्टेड द टू बॉडीज और हमने इन बॉडीज पर एक फोर्स अप्लाई की, दैट इज 600 न्यूटन. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि सबसे पहले हमने बॉडी ए पर 600 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट की. सो ये हमने यहां पर 600 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट की. अब इस फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. सबसे पहले हम वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. नाउ व्हाट इज टोटल फोर्स? टोटल फोर्स इज 600 न्यूटन. सो इट इज 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास. मास ऑफ बॉडी ए इज 10 एंड मास ऑफ बॉडी बी इज 20. It is A and it is B. So 20 plus 10 is 30 kilogram. Now it means acceleration produced in the complete system is 20 meter per second square. This is the acceleration produced in the system. Is it okay? अब यहां पर जो first case है, उस case में हमने force is applied on body A. Force is applied on body A. तो चलिए body A पर force apply कर देते हैं. जब हम body A पर 600 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो यहां पर देखिए एक टेंशन डेवलप होगा. वो टेंशन क्या होगा? ये हुआ टेंशन इन B. जितना टेंशन यहां पे होगा उतना ही टेंशन यहां पे होगा. कैसे? बॉडी B और बॉडी A के बीच में एक टेंशन डेवलप होगा. बॉडी A B को पुल करेगी और बॉडी B A को पुल करेगी, जिसकी वजह से यहां पर TB टेंशन प्रोड्यूस होगा. ओके अब देखिए इस टेंशन की वैल्यू क्या है. तो यहां पर देखिए ये TB जो है फोर्स वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है. ओके और जो यहां पर फ्रिक्शन होगी वो एक्ट करेगी प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग. बट यहां पर बताया गया है ये एक स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम जीरो न्यूटन कंसीडर करेंगे. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? तो नेट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे? TB टेंशन ड्यू टू B माइनस फ्रिक्शन फोर्स ये करेंगे. सो यही कंसेप्ट हम यहां पर लगाएंगे क्योंकि बॉडी की नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? वो मूव करेगी इस डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी वहीं पर उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स एग्जर्ट करेगी. सो बॉडी जो है, पूरा सिस्टम जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी. तो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं. एफ नेट इज इक्वल टू टी बी माइनस फ्रिक्शन. बट वी नो फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो बिकॉज द सरफेस इज स्मूथ. नाउ टी बी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट फोर्स? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ टी बी इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी टू? मास ऑफ बॉडी बी इज 20. ओके एम टू मीन्स here it is mb into acceleration is also 20. Now the tension is equal to 400 newton. Tension is equal to 400 newton. Now in second case, when the force is applied on body B, force is applied on body B. Now force is applied on body B. So, let us draw the diagram again. This is body B and this is body A. Now, force is applied on body B, that is 600 newton, and tension is developed in the string like this, T1, or take it as TA. The same concept here, net force will act in this direction. Now, we subtract TA minus friction force, but friction is zero here. So we apply the same formula
एफ नेट इज इक्वल टू टी ए माइनस फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, टी ए वी हैव टू कैलकुलेट, एंड नेट फोर्स इज एम ए इंटू एक्सेलरेशन. नाउ टी ए इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी ए इज 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज 20, सो इट इज 200 न्यूटन. दिस इज द टेंशन डेवलप्ड इन स्ट्रिंग. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू हैव विजिटेड फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन.